अगली खबर सतना से है, जहां रैगांव विधानसभा क्षेत्र में बने सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर के प्रवेश द्वार को बनवाने के लिए विश्व हिंदू परिषद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और प्रवेश द्वार को तोड़ने का आरोप विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक पर लगाया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र स्थित लोगों की आस्था का केंद्र सुप्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर खैरुआ सरकार का प्रवेश द्वार विगत 8 माह पहले तोड़ा गया था और अभी तक वह प्रवेश द्वार नहीं बना है। ऐसे में हिंदू संगठन के लोग इस प्रवेश द्वार को बनवाने के लिए आगे आए हैं। उनका आरोप है कि यह प्रवेश द्वार विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा द्वारा तोड़वाया गया था, लेकिन इस प्रवेश द्वार को आज तक नहीं बनवाया गया, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता आगे आए और इस बात का विरोध प्रदर्शन करते हुए प्राचीन मंदिर खैरुआ नाथ स्वामी हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात प्रवेश द्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जय श्री राम की नारेबाजी की और उन्होंने इस प्रवेश द्वार को बनवाने के लिए क्षेत्रीय विधायक और प्रशासन से मांग की है। आस्था का केंद्र हमारे खैरुआ सरकार मंदिर, जो कि 7-8 महीने पूर्व रैगांव विधायक कल्पना वर्मा जी ने तोड़वाया था, आज तक उनने दोबारा पलट कर नहीं देखा, जिसका हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों हजार किलोमीटर से दूर से लोग यहां पर दर्शन करने आते हैं और प्रतिदिन यहां भंडारे होते हैं। ये हिंदू समाज के ठेस पहुँचाने का काम है और ये हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर 1 महीने के अंदर ये गेट नहीं बना तो ईंट से ईंट बजाने का काम हिंदू समाज करेगी और धरना प्रदर्शन करेगी। रोड में भी अगर उतरना पड़ा तो रोड में भी उतर के हम लोग काम करेंगे। ये खैरुआ सरकार का जो प्रवेश द्वार है, खैरुआ सरकार मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे हजारों किलोमीटर से भक्त लोग आते हैं दर्शन के लिए, और ये जो प्रवेश द्वार है, प्रमुख द्वार है, इससे ही भक्त प्रवेश करते हैं अंदर के लिए। अब प्रवेश द्वार रैगांव विधानसभा की विधायिका ने कुछ महीनों पहले इसको तोड़वा दिया गया है। अब भक्त जन आते हैं तो उनको ये जानकारी नहीं मिल पाती कि प्रवेश द्वार है कहाँ से, जिसके वजह से भक्त भटकते हैं। और मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर इसका पुनर्निर्माण हो जाए और सुंदर रूप से, और हिंदू समाज पुनः रूप से इसको आगे बढ़ाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदू समाज पूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन करेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा।